हेलो जी नमस्कार, मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी। मदर्स डे स्पेशल पे मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बचपन की मेरी यादों वाली रेसिपी बना रहा हूं, पिंडी चना। आपके बच्चों के प्लेट में प्रोटीन्स की मात्रा कम से कम 25% होनी चाहिए। भाई ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, क्योंकि प्रोटीन खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ साथ मसल्स बिल्ड होते हैं। इसलिए आज की जो स्पेशल प्रोटीन रिच रेसिपी पिंडी चना कैसे बनती है, चलिए बताता हूँ आपको। पिंडी चना बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए काबुली चने में धनिया पाउडर डालें, भुना हुआ जीरा पाउडर ये डालें, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डाल के मिक्स करें। एक कढ़ाई में देसी घी गरम करें, उसमें डालें अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर और चने डाल के 4 से 5 मिनट भून लें। अब इसमें पनीर डाल के मिक्स कर लें, हरा धनिया डाल के मिक्स करें और ये रहे पिंडी चना एकदम बढ़िया तैयार। भाई आप भी घर पे बना के अपने परिवार को खिलाएं। भाई सभी माताओं को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और मेरी मदर इन लॉ को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम सबको इन्होंने प्रोटीन रिच डिशेस खिलाई है, इसीलिए आज हमारी इम्यूनिटी बढ़िया है और मसल पावर भी बढ़िया है। जी मैंने तो अपने मॉम के हाथ की फेवरेट डिश तैयार कर ली, अब आपकी बारी। आप भी अपनी मॉम की फेवरेट डिश तैयार करें, उसे सोशल मीडिया हैंडल्स में पोस्ट करें और #माँ के हाथ का प्रोटीन ये जरूर लगाएं।